वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉर्ड न्यूज। यूपी में चुनाव की वजह से गर्मा गर्मी का माहौल छाया हुआ है, ऐसे में पार्टी खुलकर पैसा भी खर्च करती है। लेकिन क्या हम इन आंकड़ों के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं क्या बताते हैं चुनाव आयोग के आंकड़े। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यूपी में विधायकी का चुनाव लड़ने का खर्च 16 लाख रुपए बताया जाता है। दैनिक भास्कर ने जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कविराज से बातचीत की तो उन्होंने पाया कि कैंडिडेट पैसा की इनकमिंग छिपाते हैं और साथ ही साथ आउटगोइंग भी खुलकर नहीं बताते, यानी कोई भी पार्टी मिले फंड का जिक्र चुनाव आयोग से नहीं करता है। उम्मीदवारों ने चुनाव में कितना खर्च किया इसे जानने के लिए पब्लिक ऑडिटिंग जरूरी है। कई बार कैंडिडेट्स की रैलियों और प्रचार में उनके समर्थकों का भी पैसा लगता है। अब जान ले क्या है आज का इतिहास। अगर आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हम पाएंगे कि आज ही के दिन पंजाब केसरी का जन्म हुआ था, जिनकी मौत अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित हुआ था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये शब्द महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी, साथ ही वह हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों के खिलाफ और हिंदू भाषा की श्रेष्ठता के लिए भी काम करते रहे। उन्हें पंजाब का शेर और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। आइए जान ले क्या है आज के कोविड अपडेट्स। कोविड की तीसरी लहर के बीच देश के बड़े शहरों से राहत देने वाली खबर सामने आई है। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर मुंबई से लेकर दिल्ली की राजधानी तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद घटती नजर आ रही है। इन शहरों में पिछले 7 से 15 दिन के ट्रेंड को देखें तो लगता है कि महामारी की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। आइए जान लें अब क्या है पंजाब के हाल। दरअसल पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी तस्करों और बीएसएफ के बीच मुखभेड़ हुई है। गुरदासपुर के चंदूवाटला पोस्ट के पास हुई मुखभेड़ में बीएसएफ का एक जवान भी घायल हो गया। पंजाब बीएसएफ के डीआईजी के मुताबिक सुबह 5:15 बजे एक जवान ने भारत पाक बॉर्डर के पास मूवमेंट देखी और पाकिस्तानी तस्करों पर फायर कर दिया। दूसरी तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान भी घायल हो गया। बीएसएफ ने मौके से हीरोइन के 47 प्लास्टिक बैग, 7 अफीम के पैकेट, 1 पिस्तौल और AK-47 की 4 मैगजीन बरामद की है। आइए जानते हैं क्या है कोविड 19 के नए आंकड़े। 24 घंटे में 2.51 लाख नए केस, 627 की मौत। देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल, सरकार ले सकती है नया फैसला।